यादव अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव खुद को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं। सवाल है कि राम और कृष्ण का नाम जरूरी है या फिर अब ये सियासी मजबूरी हो गई है 2022 में, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री प्रसादीलाल मीना ने राहुल गांधी को प्रभु श्री राम की बराबरी में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया है, बल्कि वो राहुल को भगवान राम से भी आगे बता रहे हैं। इनका कहना है भगवान राम तो अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे और इतिहास में आज तक ना तो कोई इतनी लंबी यात्रा निकाल पाया है और ना ही भविष्य में निकाल पाएगा। इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर साधु संत तक इस बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और मैं कंस की औलादों का नाश करने के लिए आया हूं सृष्टि में। इस पर भी सियासी तूफान खड़ा हो गया था, बखेड़ा मच गया था। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तीन तरफा जंग छिड़ी हुई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे सार्थक बहस। राहुल इज इक्वल टू राम विद अ क्वेश्चन मार्क। जय सियाराम। कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री ने गजब की तुलना कर दी। पहले इनका अद्भुत अनोखा बयान सुनिए। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखल रक्त पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। तो राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा के लिए राहुल गांधी भगवान राम से भी बढ़कर है। लेकिन हद तो ये हो गई जब इस बयान को रफू करने आए महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और दो कदम आगे निकल गए। योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है, तो योगायोग हो सकता है लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। सत्ता का अहंकार है या अपरिपक्वता है या उन्होंने ठीक से न राम को पढ़ा न रामायण को पढ़ा, लेकिन ये समझ में आता है ये वही लोग हैं जो राम सेतु का विरोध करते थे, जो राम मंदिर का